नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। एक तरफ जहां कोरोना ने देश भर में तांडव मचा रखा है, लोग परेशान हैं कि कैसे उन्हें इलाज सही से मिल पाए। अस्पताल वो किसी तरह अगर पहुंच जा रहे हैं तो अस्पतालों में भीड़ की इंतहा है। लोगों को बेड नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, सिलेंडर की तो आपको पता ही है कालाबाजारी, और ऊपर से कितनी ज़्यादा कमी हो रही है। ये सारी चीज़ें किसी से छिपी नहीं है। और अगर कोई ठीक भी हो जा रहा तो उसे घर जाने के लिए वाहन नहीं मिल पा रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही, और ऐसे में एम्बुलेंस का एक जखीरा, बड़ा जखीरा भाजपा के जो सांसद हैं उनके यहाँ पे छिपा के रखा गया है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से, जहाँ पर एक केंद्रीय मंत्री है जिनका नाम है राजीव प्रताप रूडी। उनके यहाँ पर एक शख्स जिसका नाम पप्पू यादव है, जो सांसद भी रहे हैं, अपनी पार्टी भी चलाते हैं, और अपने जो सोशल सामाजिक काम है उसके लिए वो जाने जाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पर एम्बुलेंस की इतनी भारी कमी पड़ रही हो, वहाँ पर इनके ऑफिस में इतनी सारी एम्बुलेंस छिपा के रखी गई है। इन्होंने वहाँ जाकर पप्पू यादव साहब ने छापेमारी की और कई सारी एम्बुलेंस लोगों को दिखाई कि देखे किस तरह से यहाँ पर एम्बुलेंस छिपा कर रखी गई हैं। पूरी खबर क्या है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उस पर जाने से पहले छोटी सी अपील है कि अगर अभी तक आपने हिंद वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इस खबर की तरफ। देखिए, छपरा में बीजेपी के एक नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी, कई सारे इनके साथ में डेजिग्नेशन लगे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इनके अमनौर स्थित एक कार्यालय परिसर में दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। इसको देखकर पप्पू यादव ने कहा, क्योंकि पप्पू यादव वहाँ गए, उन्होंने छापेमारी की और सारी गाड़ियों पर जितना कपड़ा ढका हुआ था उसे हटाया और कहा कि अभी जिस तरह का माहौल है ऐसे में एम्बुलेंस की सख्त ज़रूरत है, लेकिन यहाँ ऐसे ही रखी गई है। सांसद को ये बताना चाहिए कि ज़रूरत के वक्त इतनी सारी एम्बुलेंस यहाँ पर छिपा कर रखी क्यों गई हैं, इसका जवाब दे। इस बारे में उन्होंने ट्वीट भी किया। पप्पू यादव ने कहा कि भाई, आपको लोगों ने चुना है सांसद के रूप में, आप सिर्फ इतना बता दें कि जो एम्बुलेंस यहाँ छिपा के रखी गई ऐसे मुश्किल के दौर में, जहाँ पर लोग ऑटो वाले रिक्शे वाले इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, वहाँ पर इन सांसद को ये एम्बुलेंस छिपाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। अब जब वीडियो छापेमारी की पप्पू यादव की पूरे देश में फैली और पूरे देश ने देखा कि किस तरह से मुश्किल के वक्त में भाजपा सांसद के ऑफिस में दर्जनों एम्बुलेंस छिपा कर रखी गई हैं, कपड़े से ढककर रखी गई हैं, और ऐसे में ज़रूरतमंद जो लोग परेशान हैं, जान गंवा रहे हैं, उनको मिल नहीं पा रही सुविधा, तो तब ये भाजपा के जो सांसद हैं प्रताप रूडी साहब, राजीव प्रताप रूडी साहब, इन्होंने लिखित में एक लेटर लिखा है और ये कहा कि देखिए ड्राइवर नहीं मिल पा रहे थे। कितना ओछी चीज़ कही है कि ड्राइवर नहीं मिल पा रहे थे, मुझे दर्जनों एम्बुलेंस इन्हें मिल सकती हैं लेकिन इन ड्राइवर नहीं मिलते, ये किस बात का दुख है? क्या सिर्फ बाद में इन पर स्टिकर हटाकर चुनाव में यूज़ करने का इरादा था या की गई थी ये, ऐसा कुछ था? आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तमाम लोग इस बात को लेकर अब इनके बहुत ज़्यादा आलोचनाएं कर रहे हैं। खुद बीजेपी से जुड़े लोग इन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसे में जब लोग मर रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है अस्पताल जाने के लिए और अस्पताल से घर आने के लिए पैसे नहीं है, जो टैक्सी वाले हैं ड्राइवर हैं उन्होंने ऐसे में आपदा में अवसर ढूंढने का मौका खूब निकाला है। तमाम इस तरह की वीडियो भी आ रही हैं कि जहाँ पर 50 रुपये लगते थे वहाँ पर 500 रुपये मांगे जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। वहाँ पर ये दर्जनों भर जो एम्बुलेंस है वो खड़ी हुई है, और क्या सिर्फ ये एक ही जगह है, अभी और भी बहुत सारे ऐसी वीडियो आने बाकी है दोस्तों, क्योंकि इस तरह की चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं कि बहुत सारी जो सांसद कोटे से जो ये इस तरह के एम्बुलेंस या सर्विस मिली हुई है जनता के लिए, वो सब छिपाकर या जनता से बचाकर रखी गई हैं। तो भाई आप लोग समझिए कि भाजपा के जो सांसद हैं जिन्हें जनता ने सिर्फ इसलिए चुना था कि मुसीबत के वक्त में वो हमारे साथ खड़े हुए थे, खड़ा होना तो दूर की बात है, उल्टा उनसे वो चीज़ें छिपा ली गई जो जनता के काम आ सकती थी, और फिर एक बहुत ही घटिया सी दलील दी जा रही है कि मुझे ड्राइवर नहीं मिल पा रहे हैं। अरे आज के टाइम में कोई भी गाड़ी चला सकता है, कोई भी किसी को घर छोड़ सकता है, और अस्पताल छोड़ने के लिए तो लोग बेचारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जान पर खेलकर मदद कर रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ एक ट्वीट करते या एक मैसेज भी छोड़ते तो हज़ारों लोगों की लाइन लग जाती लोगों को अस्पताल पहुँचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, कि नहीं कपड़ा डाला और ढक दिया। क्या सिर्फ उन्हें उनका इरादा था कि आने वाले वक्त में ये सिर्फ चुनावी रैली में यूज़ होंगी ये गाड़ियाँ, क्योंकि भैया चुनाव तो जीतना है बीजेपी को, चाहे कैसे भी जीतना हो, देश में कोरोना फैल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनावी रैली होनी चाहिए और बड़े स्तर पर होनी चाहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पप्पू यादव की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी कि पप्पू यादव साहब किसी डरते वरते हैं नहीं, जब चाहे जहाँ पहुँच जाते हैं गरीब जनता की मदद करने के लिए।